हाउस है, जहां पर देखिए भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आज जयंती है और जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह देखिए 10:15 पर लोक भवन प्रांगण लखनऊ में कार्यक्रम है और बता दें कि 647 वन रक्षकों वन्य जीव रक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देंगे, तो 41 अवर अभियंताओं को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। राज्य मंत्री अरुण कुमार व केपी मलिक भी उनके साथ शामिल रहेंगे। तो सुबह के 10:30 देखिए लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। तो 41 अवर अभियंताओं को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र भी देंगे आज, तो राज्य मंत्री अरुण कुमार व केपी मलिक उनके साथ देखिए शामिल होंगे। तो सुबह 10:30 लोक भवन सभागार में देखिए कार्यक्रम होगा। तो भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आज जयंती है, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। जयंती के अवसर पर देखिए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 10:00 देखिए लोक भवन प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया है। बताया जा रहा है कि 647 वन रक्षकों वन्य जीव रक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देंगे आज। 41 अवर अभियंताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र देंगे, तो राज्य मंत्री अरुण कुमार व केपी मलिक भी उनके साथ देखिए शामिल रहेंगे। वही सुबह 10:30 लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। तो सीएम के कार्यक्रम की बात की जाए तो देखिए आज भी तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती है। कहा जा रहा है कि उनकी जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर आज माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात की जाए तो तमाम तरह के देखिए आज भी उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि 41 अवर अभियंताओं को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र भी देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मजहर हमारे साथ जुड़ गए। मजहर, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है आज सीएम का? बिल्कुल नंदिनी, देखिए आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ जी की जयंती और जयंती के अवसर पर कहीं ना कहीं सीएम उनकी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। सुबह 10:15 लोक भवन प्रांगण में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ तमाम जो और भी लोग हैं वो शामिल होंगे। उसके अलावा आपको बता दूँ, सुबह 10:15 647 जो वन रक्षकों वन जीव रक्षकों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 41 अवर अभियंताओं को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। राज्य मंत्री जो अरुण कुमार सक्सेना है, साथ ही जो केपी मलिक हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10:15 लोक भवन प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले सरदार वल्लभ पंत की आज जयंती है, जयंती के अवसर पर उनकी जो प्रतिमा है उस पर सीएम माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद तमाम जो वन विभाग के जो 647 वन रक्षकों वन्य जीव रक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आज एक बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में तमाम तरह के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। सुबह 10:15 इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लोक भवन प्रांगण में इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा। जी, और कौन कौन से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? तमाम देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो वन राज्य मंत्री हैं अरुण कुमार सक्सेना, उसके अलावा जो केपी मलिक हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं सबसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पंत है उनकी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद वहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद 647 जो नियुक्ति पत्र हैं उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल मजर, देखिए कहा जा रहा है कि 41 अवर अभियंताओं को भी वो नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज। बिल्कुल, देखिए जो 41 अवर अभियंता हैं उनको भी आज लोक भवन प्रांगण में कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पत्र है उसको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से सभी जो अवर अभियंता हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे और उनके सामने साथ में जो अरुण कुमार मंत्री हैं वन विभाग के वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। साथ ही जो केपी मलिक हैं उनके मौजूदगी में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।